आखिरकार बमुश्किल मोहन यादव के मंत्रिमंडल ने शपथ ले ली। मध्य प्रदेश में 18 कैबिनेट मंत्री, 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 4 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। कई दिग्गज विधायक शपथ लेने का इंतजार ही करते रह गए। वहीं कुछ पहली बार जीत कर आए विधायक मंत्री बना दिए गए। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सबसे पहले विजय शाह, कैलाश विजयवर्गीय, पहलाज सिंह पटेल, राकेश सिंह, करण सिंह वर्मा और राव उदय प्रताप सिंह को मंत्री पद की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री मोहन यादव की मंत्रिमंडल ने आकार ले लिया है। मंत्रिमंडल बनाने के लिए मोहन यादव को भोपाल से दिल्ली तक कड़ी मशक्कत करना पड़ी। इसके बाद भी कई तजुर्बेकार और जानकार विधायक मंत्रिमंडल से बाहर रह गए और पहली बार के विधायक तक को मंत्री बनने का मौका मिल गया। कई बड़े नेताओं को भी मंत्रिमंडल में आने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। सभी नए मंत्रियों को राजभवन में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने शपथ ग्रहण करवाई। पहलाज सिंह पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, विजय शाह, राकेश सिंह, तुलसीराम सिलावट, ऐदल सिंह कंशाना, राव उदय प्रताप सिंह, निर्मला भूरिया, गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युम्न सिंह तोमर, नारायण सिंह कुशवाहा, करण सिंह वर्मा, संपतिया उइके, विश्वास सारंग, नागर सिंह चौहान, राकेश शुक्ला, चेतन कश्यप और इंदर सिंह परमार को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। इसके बाद कृष्णा गौर, धर्मेंद्र लोधी, दिलीप जायसवाल, गौतम टेटवाल, लखन पटेल, नारायण सिंह पवार ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की शपथ ली। नरेश शिवाजी पटेल, प्रतिमा बागड़ी, राधा सिंह और दिलीप अहिरवार को राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।